दोस्तों, सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। You just walk right out the door, don't wanna do this anymore. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल पर एक नया दिन और एक नई एनर्जी के साथ। तो दोस्तों, अभी मैं रोडू बस स्टैंड से निकल चुका हूँ शिमला के लिए। तो आपको शिमला में पहुँच के मिलते हैं और भी इसका आपको रास्ता भी बताएंगे, व्यू भी बताएंगे। You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. You can't control feeling in my bones. I'm coming for the, coming for the. Coming for the throne. तो दोस्तों, अभी बस बीच में रुकी है और अभी मैं पता नहीं कहाँ पे हूँ, पर मेरे को लग जाएगा यहाँ से कम 1-2 घंटे लग ही जाएंगे। और आपको अभी टारजन द वंडर कार दिखाते हैं। ये है हमारी टारजन द वंडर कार, जो कि बड़े समय से पड़ी है यहाँ पे। और आपको नीचे का लुक भी बताते हैं। इधर आपको सुअर देखने को मिल जाएंगे। अभी इनको नहला रहे हैं। चलो 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 चलो। और ये ऐसा है नीचे का लुक, आप देख रहे होंगे। बारिश की वजह से ये पानी गंदा हो चुका है, पर जब अगर बारिश ना पड़े तो ये पानी बिल्कुल साफ रहता है यहाँ का। तो दोस्तों, अभी ये सुअर नहा गए हैं कम्प्लीटली, कुछ आधे खाना खा रहे हैं। भैया, इससे बड़ा भी होगा, इनका साइज कितना ही रहेगा? अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं है मतलब। अच्छा, तो मतलब कितने का बिक जाता है एक पूरा है? किलो के साथ बिकता है। मतलब जब लिया था आपने, कितने का लिया था एक? ये तो भी एक डेढ़ लाख का माल है गाड़ी वाले के द्वारा। अच्छा, ये पाला रहेगा, बड़ा होगा, एक एक करके बिक जाता है, फिर वैसे ले जाता है, बच्चे भी होते हैं। अच्छा अच्छा और ये आप देख रहे हैं, ये है सुअर का बच्चा जो कि खेल रहा है और मेरे से डर रहा है। तो आखिरी बार इनकी लुक बता देते हैं। और इनको सेब डाले हैं खाने को और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। आपका अपना, तो भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो आपको भैया कितने साल हो गए इनको पालते हुए? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। आपको क्या लगता है, ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है? प्रॉफिट होता है भैया, नीचे जाओ फार्म में, फार्मों में देखना कहीं कहीं किलो का माल होता है, जो आसाम सबसे ज़्यादा लगता है माल। अच्छा, आसाम में बड़े बड़े ट्रक भर के जाते हैं। अच्छा अच्छा, हम तो फिर छोटे मोटे बिजनेस में ना, बड़े बिजनेस फार्म होते हैं, काफ़ी बड़ा खेत होता है ना एक तरह का। हाँ जी, फार्म होता है, वहाँ पे पलते हैं, फीड और तीन की डिस्कशन, फीड खाते हैं। यहाँ पे तो आप इसे डाल के गुजारा कर रहे हो इनका? नहीं नहीं, ये तो फल फ्रूट मार्केट से मिल जाता है तो हो जाता है, बेस्टिक होटल से मिलती तो वो खाते हैं। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं आपसे कभी होगा मिलना। चैनल का नाम क्या है आपका अपना? तो अभी हम बस से निकले हैं, रुके हैं एक ढाबे पे,
हाँ फिश वर्णी है और ये है हमारी बस गुलेरिया। बस ढाबे वाले भैया जो कि परांठा बना रहे हैं, भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई नहीं यार, अभी आप काम करते हैं, कल बता रहे हैं इसमें यार। और ये दूसरा तंदूर नहीं है जो लोगों के और लोगों की तरह में गैस से चला देते हैं तंदूर, ये हमारा ओरिजिनल जो तंदूर होता है। 2000 years later. तो दोस्तों फाइनली हम शिमला के बस स्टैंड पहुंच चुके हैं, न्यू बस स्टैंड ISPT। तो दोस्तों अभी अब हम सबसे पहले थोड़ा सा कुछ करेंगे, वो है कहीं पे ATM ढूंढेंगे, और दूसरी बात ये है कि अभी मैं हाथ से ही ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और सबसे पहले वॉशरूम जाके आता है, तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों ATM तो मिल चुका है, अब देखते हैं इसमें कैश है कि नहीं है। तो ये है हमारा ISPT का अंदर का लुक, अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, नीचे है ग्राउंड फ्लोर और कुछ ऐसा जैसा है देखने में, और वो है मेरी बस जो लगी हुई है। और यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बने हैं बसेस के लिए, हर जगह की अलग बस होती है और हर सेक्शन एक अलग जगह पे जाता है। तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वो जो दिख रहा है आपको, वहाँ पे सेक्शंस लिखे हैं कि यहाँ पे कौन सी बस खड़ी होगी कौन सी नहीं खड़ी होगी। तो दोस्तों अभी मैं आपको नीचे से भी बताऊँगा ISPT की लुक नीचे से कैसा है दिखने में, और मास्क तो लगाना ना भूलें। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे से आपको पूरी लुक बताएंगे ISPT की, कहाँ से क्या होता है कहाँ से क्या होता है। तो दोस्तों कुछ ऐसा है हमारा शिमला का ISPT देखने में, और ये जो ये रास्ता है ये जाता है डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर पे, और नीचे है ग्राउंड फ्लोर, और इस साइड को खड़ी होती हैं रोडू वाली बसेस इस साइड को, और उस साइड को खड़ी होती हैं इस साइड को बिलासपुर और बिलासपुर जुखाड़ा और अदर बसेस। और अभी मैं हूँ नीचे ग्राउंड फ्लोर में, और यहाँ से हम आपको ऊपर जाके भी बताएंगे क्या क्या सिस्टम है यहाँ पे। अभी सबसे पहले मैं आप, ये है हमारा ISPT, नीचे से ग्राउंड फ्लोर है ISPT का, और अब आगे जाएंगे यहाँ से। दोस्तों ये है कुछ ग्राउंड फ्लोर की लुक, ग्राउंड फ्लोर पे भी बसेस खड़ी हैं, ग्राउंड फ्लोर पे है लॉन्ग रूट की बसेस खड़ी हैं लगभग, और ये है लिफ्ट, और ये सीढ़ियाँ जाती हैं हमारी डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर पे, जो मैं आपको बता रहा था ये सीढ़ियाँ डायरेक्ट, और अभी लिफ्ट का वेट करेंगे, हम इसी में जाएंगे। हम जाएंगे सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर, और इसी इसी ISPT में इसी बस में पूरा है, और हमने फर्स्ट फ्लोर का बटन दबा दिया है। तो दोस्तों और आपको एक और चीज़ बता दें कि यहीं पे थिएटर भी है, इसी यहीं पे एक सेक्शन बनाया है ऊपर जाके, शायद थर्ड फ्लोर पे है, वहाँ पे थिएटर भी है। तो अभी तो चलो कोविड टाइम्स में कहाँ मूवीज लग रही होंगी, पर और ये है हम पहुँच गए हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर। अब मैं उसी बस में बैठना चाहूँगा जिस बस में मैं आया हूँ। तो दोस्तों अभी आपने देखा ISPT का एक क्विक लुक कि कैसा है दिखने में कैसा नहीं है दिखने में, और अभी मैं उसी बस में वापस जाऊंगा जिस बस में मैं जा रहा हूं घर। और सबसे पहले चलते हैं उसी बस में।
वो अभी लगी है मुझे भूख, और अब देखते हैं हम क्या लेंगे। अब पहुंचते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है। तो भैया के पास तो शायद मोमोज हैं, मोमोज लेंगे। तो दोस्तों यहाँ तो मोमोज तो बिल्कुल भी नहीं थे। अब हम नीचे जाएंगे, नीचे कुछ नए आउटलेट खुले हैं और उन आउटलेट्स में जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ें बनती हैं। अभी मैं नीचे देख के आया था, अभी मैं कभी उन आउटलेट्स पे मैंने विजिट नहीं किया है। वो बिल्कुल नए आउटलेट्स हैं खुले हुए ISBT में। अब उन आउटलेट्स पे चेक करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है। पहले जाएंगे सत्कर, इस आउटलेट पे जाएंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। क्या मिलेगा आपके पास जी? आप बता सकते हो आपके पास क्या क्या मिलेगा? बता दूंगा। तो बता दो, कैमरा पे बता दो। हमारे पास मिलता है समोसे, ब्रेड पकौड़ा और मोमोज, थप्पा सूप, चाउमीन और खाना और छोले समोसे मिलता है। मोमोज लगा दो। कितने मोमोज लगा दो? फुल प्लेट लगा दो। कितने की है मोमोज की फुल प्लेट? 50 के 10 पीस है। 50 के 10 पीस हैं, तो आप दो फुल प्लेट कर देना मोमोज की। हाँ, पे ऊपर बस में ले जानी है मैंने एक्चुअली, तो फटाफट कर दो भैया। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरे पर्सनल फेवरेट तो मोमोज ही हैं, तो सत्कर के मोमोज भी ट्राई करेंगे। और भैया भी कुछ बोलना चाहते हैं, सबसे पहले मास्क लगा ले। फिल्म बनाना बंद करो। नहीं नहीं भैया, तो कुछ फिल्म बनाना बंद करो, आगे प्रचार करो। कुछ नहीं चल रहा यहाँ पे। भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप तो इच्छुक थे जी, आप मोमोज हमारे लिए पसंद करेंगे। वो आपका ही शॉप है जी? अच्छा, आपकी शॉप है जी? तो भैया की ये शॉप है। मोमोज कुछ ऐसे हैं दिखने में, और भैया डाल रहे हैं दो फुल प्लेट। और भैया फ्राइड मोमोज भी मिल जाते हैं आपके पास? फ्राइड में और स्टीम के फ्राइड और बढ़िया बनेगा। तो फ्राइड कर दो? नहीं नहीं, आप ऐसा करो, या एक एक प्लेट वो स्टीम्ड कर दो, एक प्लेट फ्राइड कर दो। यहाँ से CM ऑफिस जाते हैं हमारे मोमोज। अच्छा, यहाँ से भैया बता रहे हैं कि यहाँ से CM ऑफिस जाते हैं मोमोज यहाँ से। तो भैया खुद को करेक्ट करना चाहेंगे, भैया कहाँ पे जाते हैं ये? सर ये मोमोज हमारे CM हेल्पलाइन ऑफिस जाते हैं। ये मोमोज हो गया सर हमारा, ये आपका समोसा हो गया, ब्रेड पकौड़ा हो गया सर। आज का ऑर्डर है सर हमारे 50 समोसों का ऑर्डर, मतलब कि ब्रेकफास्ट में है 50 समोसों का ऑर्डर, और 50 समोसों का ऑर्डर सर इवनिंग टाइम में स्नैक्स में है 50 समोसों का ऑर्डर हमारा। CM हेल्पलाइन नंबर पर, CM हेल्पलाइन वहाँ पे जाता है इनके मोमोज, समोसे, ब्रेड पकौड़ा जो भी है। और भैया फटाफट फ्राई करेंगे। और अगर आप ISBT आए तो यहाँ पे तो जरूर 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 आए। यहाँ पे हमारे ये जो स्टाफ है, ये हमारे नेपाल से आए सर, और इनकी पगार पर 18,000 मोमोज के लिए। और ये शेफ भैया हमारे नेपाल से हैं, 18,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मोमोज का काम ओनली और ओनली मोमोज के लिए, सिर्फ स्पेशली इनको मोमोज के लिए बुलवाया गया है यहाँ पे। तो भैया आपको कैसी फीलिंग आती है इंडिया में, नेपाल से आके? नेपाल से आके इंडिया में क्या नहीं, आपको नेपाल से आके इंडिया में कैसे फीलिंग आती है? कैसे फीलिंग आती है? बढ़िया आती है, बढ़िया है। सर तो बोलते हैं अपना सा रखता है सारा चीज़ बस। आपको नेपाल पसंद है कि इंडिया ज़्यादा पसंद है? बस दोनों पसंद है, नेपाल भी पसंद है। ये मेरे को इंडिया में 7 साल हो गए, मेरे को अभी 7 साल हो गए। तो भैया ने, भैया का तेल गर्म हो चुका है अब इसमें फटाफट। और यहाँ पे पूरा डिजिटल इंडिया का प्रयोग किया जा रहा है। भैया बता रहे हैं कि सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट चलती है यहाँ पे, कैश पेमेंट तो चलती ही नहीं है, पर मैं फिर भी कैश पेमेंट करूँगा। आपको गूगल पे करना पड़ेगा। और ये दिख रहे हैं आपको मोमोज, फ्राइड मोमोज। इसकी बनाने की रेसिपी सर हमारे साथ सर से पूछ लीजिए क्या क्या। और मैं आपको एक चीज़ भी बता दूँ कि शिमला में ना अगर आप मोमोज खाने हैं तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, बाकी
जगह से कि शिमला में मोमोज बहुत सस्ते हैं एज कम्पेयर टू अदर कोई भी सिटीज चले जाए ना, शिमला में सबसे सस्ते मोमोज मिलेंगे हमें, 50 रुपए की फुल प्लेट। और जहाँ पे मैं खाता हूँ, सच में बताऊँ, मैं रोडू में, मेरे को 80 रुपए फुल प्लेट मिलती है। शिमला में बढ़िया मोमोज में मिलते पनीर वाले मोमोज, पनीर मिलते हैं पूरे पनीर वाले मोमोज। और भैया ने लगभग पूरा वो काम कर लिया है, अब ये बस पैकिंग बची है इसकी। और भैया सबसे बड़ी बात होती है कि मोमोज का ऐसा होता है कि मोमोज का साइज हमेशा छोटा होना चाहिए। कई क्या करते हैं, कई बड़े, बहुत बड़े बड़े मोमोज बना देते हैं, हाँ कई बहुत मोटे मोटे करके उसका टेस्ट भी बिगाड़ देते हैं। तो भैया ने बिल्कुल परफेक्ट मोमोज बनाए हैं, छोटे छोटे और बहुत अच्छे। सामने वाले ढाबे पे आप जाएंगे, मोमोज का साइज बड़ा होगा, पप्पी का ढाबा मोमोज का साइज बड़ा होता है। हाँ, ये शॉप टू शॉप, शेफ टू शेफ डिफर करता है कि कितना वो होता है, कैसे कैसे मोमोज बनाते हैं। और मेरे पर्सनल चॉइस हमेशा ही छोटे मोमोज की रहती है। देखो आप मोमोज का साइज देख रहे होंगे, जो मैं आपको बता रहा था, बहुत बिल्कुल परफेक्ट साइज है ये मोमोज के लिए। तो दोस्तों मोमोज हमने पैक करवा दिए हैं, अब ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों इस व्लॉग को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, इस व्लॉग को मैं दो पार्ट्स में डालूंगा, क्योंकि कल एक बहुत ख़तरनाक स्टोरी है मेरे पास जो मैंने शूट की है, वो बताना ज़रूरी है, और मैं नहीं चाहता कि वो इस व्लॉग में आए। तो अगर आपको कल एक बहुत ख़तरनाक स्टोरी है एक पर्सन की है, जो बंदा 2500 प्लस किलोमीटर एक नोबल कॉज के लिए साइकिलिंग कर रहा है, और हरियाणा से है वो भैया, और आपको जान के भी हैरानी होगी कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या कर रहे हैं, और आपको लोकल्स का भी सपोर्ट पता चलेगा, उनके कहानी जब पता चलेगी तो आप खुद शौक में रह जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो आप ज़रूर देखें, कल का व्लॉग ज़रूर देखें, इसका ऐसा समझ लो कि ये घर वापसी का सेकेंड पार्ट होगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में किसी नई एनर्जी के साथ। और एक चीज़ याद रखना, दिस इज़ योर आपका अपना, ऑलवेज बी योर आपका अपना, आपका अपना आपसे है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।